बुगल बॉलीवुड देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की बात करें तो शाहिद कपूर बिल्कुल बिजी हैं अपने आने वाली फिल्म जर्सी की तैयारियों में। जी हाँ, जर्सी फिल्म की बात करें तो एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में शाहिद कपूर एक क्रिकेटर का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म से जुड़ी एक रिसेंट अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो जर्सी फिल्म है ये तेलुगु फिल्म का रिमेक होने वाली है। तेलुगु में भी इसका नाम जर्सी ही था और जर्सी नाम रख के ही बॉलीवुड में इसको रिमेक किया जाएगा। ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्ट किया था गौतम तिन्नानुरी ने और एक बार फिर से गौतम तिन्नानुरी ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं शाहिद कपूर के लिए। वेल, ऐसा लगता है कि कबीर सिंह में शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारी साउथ की फिल्में रिमेक होने वाली हैं शाहिद कपूर को लेकर। आपको बता दें कि शाहिद कपूर ने लास्ट मंथ ही बताया था इस फिल्म के बारे में और एक तस्वीर शेयर की थी सोशल मीडिया पर क्रिकेट वाला बैट उठाए हुए। इसके अलावा शाहिद कपूर अपने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर जो वो तैयारियां कर रहे हैं उसकी वीडियोस शेयर करते रहते हैं अपने फैंस के साथ। आपको बता दें कि इस फिल्म से जुड़ी रिसेंट अपडेट ये है कि शाहिद कपूर के फादर यानी कि पंकज कपूर भी नजर आने वाले हैं इस फिल्म में। इस फिल्म में उनका रोल फाइनल हो चुका है और इस फिल्म में वो निभाने वाले हैं शाहिद कपूर के मेंटर का रोल। जी हाँ, रियल लाइफ में भी हमारे सबसे पहले मेंटर हमारे फादर होते हैं और अब फिल्म में भी शाहिद कपूर के पिता उनके मेंटर का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 28 अगस्त 2020 को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, यानी कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा शाहिद कपूर को एक क्रिकेटर के किरदार में देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें जरूर बताइएगा। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए बूगल बॉलीवुड।